नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिप्लेक्टिन प्लस सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को कैसे लेना चाहिए और सिप्लेक्टिन प्लस सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सिप्लेक्टिन प्लस सिरप का उपयोग भूख को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जिन व्यक्तियों का वजन कम है उन व्यक्तियों में सिप्लेक्टिन प्लस सिरप भूख को बढ़ाकर वजन को भी बढ़ाने में मदद करती है। सिप्लेक्टिन प्लस सिरप सीधे तौर पर आपके वजन को नहीं बढ़ाती है। सिप्लेक्टिन प्लस सिरप केवल आपकी भूख को बढ़ाती है और भूख को बढ़ाकर वजन को बढ़ाने में मदद करती है। सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को डॉक्टर कभी कभी एलर्जी या नजला के लक्षणों से राहत पाने के लिए भी लेने की सलाह दे सकते हैं। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे ज्यादा छींक आना, गले में खुजली होना, नाक से पानी आना, त्वचा पर खुजली होना आदि लक्षणों को ठीक करने के लिए डॉक्टर सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों को एलर्जी की वजह से ज्यादा छींक आती है, नाक बंद रहती है या एलर्जी के अन्य लक्षणों से परेशान रहते हैं, उन व्यक्तियों को इन लक्षणों के रहने की वजह से उनको रात को नींद भी कम आती है, इसलिए डॉक्टर सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को एलर्जी से परेशान व्यक्तियों को भी देते हैं, क्योंकि सिप्लेक्टिन प्लस सिरप एलर्जी के लक्षणों से भी राहत दिलाती है और सिप्लेक्टिन प्लस सिरप की वजह से नींद भी अच्छी आती है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। अगर आप भूख को बढ़ाने के लिए सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को ले रहे हैं, तो सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना ज्यादा अच्छा होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सिप्लेक्टिन प्लस 10 मिलीलीटर सिरप को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। सिप्लेक्टिन प्लस सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिप्लेक्टिन प्लस सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सिप्लेक्टिन प्लस सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सिप्लेक्टिन प्लस सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को लेने के बाद नींद अधिक आ सकती है। इसके अलावा सिप्लेक्टिन प्लस सिरप की वजह से मुंह में सूखापन, कब्ज, सिर दर्द और शरीर में सुस्ती व थकान की समस्या हो सकती है। कुछ व्यक्तियों में सिप्लेक्टिन प्लस सिरप की वजह से नींद न आने की समस्या भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। सिप्लेक्टिन प्लस सिरप के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को सिप्लेक्टिन प्लस सिरप या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को सिप्लेक्टिन प्लस सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सिप्लेक्टिन प्लस सिरप का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सिप्लेक्टिन प्लस सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सिप्लेक्टिन प्लस सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।